15 मार्च 2024 जुमे का दिन सपहर 4:40। खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम नाजीन आपकी खिदमत में हाजिर ताज़ा एडिशन के साथ। हम सब का सलाम कबूल कीजिए, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजीन, आज के प्रोग्राम में जो मेहमान हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और जिनकी इंट्रैक्शन आप सुनेंगे आपसे ज़रा देर बाद, उन्होंने ना सिर्फ कुछ अरसा कबल जम्मू कश्मीर की क़यादत की है अपने मुतल्लिका खेल में, उसके साथ साथ उनके पास एक रिकॉर्ड भी है। क्या रिकॉर्ड है और क्या खेल है ये आपको पता चलेगा। और ख़ास बात यह है, हाल ही में ये एक वेटरन्स के टूर्नामेंट में शिरकत करके आए हैं जहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के भी वेटरन्स खेल रहे थे अपने खेल के। तो आप जुड़े रहे हमारे साथ, आपको पता चलेगा किस खेल के साथ इनका ताल्लुक है और क्या बात होगी। प्रोग्राम का आगाज करते हैं मकामी खेलों की खबरों से। चलते हैं लोकल स्पोर्ट्स के राउंड अप के लिए फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहां पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मुकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। आई लीग 2023-24 के और एक मुकाबले में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब और शिलांग लेजांग के दरमियान 1-1 स्कोर से मुकाबला रहा बराबर। 17 मार्च को दिन में 2 बजे से रियल कश्मीर का अगला मुकाबला दिल्ली एफसी के साथ श्रीनगर में होगा। वादी से ताल्लुक रखने वाले साइकिलिस्ट बिलाल अहमद डार ने अमृतसर पंजाब में मुनक़दा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स के दौरान साइकिलिंग रेस में सोने का मेडल जीतकर जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। इस चैंपियनशिप में मुल्क भर के 200 से ज्यादा राइडर्स ने की थी शिरकत। जम्मू के मिनी परेड ग्राउंड में मुनक़दा एक खसूसी प्रोग्राम के तहत जम्मू के तमाम ऐसे खिलाड़ियों को जम्मू कश्मीर के एलजी ने प्राइजेस से नवाजा जिन्होंने साल 2021-22 और 2023 के दौरान कौमी और बैला अवकामी खेलों के दौरान बेहतर मुकाम किया था हासिल। डिस्ट्रिक्ट रियासी में मुनक़दा वॉलीबॉल चैंपियनशिप खुश असलूबी के साथ हुई मुकम्मल। फाइनल में मामा क्लब ने 3-1 स्कोर से अर्नस वॉलीबॉल क्लब को हराकर फाइनल जीत लिया। इस चैंपियनशिप में इलाके से वाबस्ता 12 वॉलीबॉल क्लब ने की थी शिरकत। मोतिहार बिहार में कल से मुनक़द होने वाले 33वीं सब जूनियर कौमी कबड्डी चैंपियनशिप 2024 में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर से 14 मेंबरान पर मुश्तमिल दस्ता बिहार पहुंच गया, जहां पर 16 से लेकर 19 तारीख तक जम्मू कश्मीर की टीम कर रही है अपनी मुहिम का आगाज। श्रीनगर में जारी 7वें यूटी लेवल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2024 हुई अख्ताम पजीर, जिसमें वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 200 से ज्यादा मर्द और खवातीन खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर की शिरकत। डिस्ट्रिक्ट कुलगाम और अनंतनाग में जारी बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 के अलग अलग इवेंट्स हुए मुकम्मल, जिसमें जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ उम्र के 300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की थी शमूलियत। श्रीनगर में मुनक़दा ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप मुकम्मल होने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ऐसे खिलाड़ियों को एजाजात से नवाजा गया जिन्होंने इवेंट के दौरान मेजबानी के अलावा खेल में भी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करके जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। कश्मीर यूनिवर्सिटी के मैदान पर जारी आमद रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ अख्ताम पजीर। फाइनल में स्टूडेंट 11 की टीम ने नॉन टीचिंग 11 की टीम को हराकर मुकाबला जीत लिया। अख्तामी तकरीब पर वाइस चांसलर ने खिलाड़ियों को एजाजा से नवाजा गया। बिहार के शहर पटना में मुनक़दा 68वीं जूनियर नेशनल बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर की टीम ने भी बढ़ चढ़कर की शिरकत। ताहम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला की टीमें पहुंच गई सेमीफाइनल में। रवा महीने की 20 तारीख से रिहारी जम्मू में 11वीं यूटी लेवल रसाकशी चैंपियनशिप 2024 का हो रहा है आगाज, जिसमें जम्मू कश्मीर से वाबस्ता मुख्तलिफ उम्र के 200 से ज्यादा खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। नजरिन था मुकामी खेल खबरों का अहवाल, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नजरिन मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जाने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नजरिन, ये प्रोग्राम डीडी कश्मीर चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से आपकी खिदमत में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। इसके अलावा आप इस प्रोग्राम को YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। YouTube पर आप डीडी कश्मीर चैनल पर जाइए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट में आर स्पोर्ट्स प्रोग्राम में खेल और खिलाड़ी के सभी एपिसोड मिलेंगे। जब भी आप चाहे आप उनको देखकर एंजॉय कर सकते हैं। और अब नजर डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ। भारत की हॉकी गवर्निंग बॉडी हॉकी इंडिया ने किया साल रवां होने वाले पेरिस ओलंपिक्स के हवाले से 28 रुकनी दस्ते का ऐलान। ये खिलाड़ी कर रहे हैं भुवनेश्वर में कंडीशनिंग कैंप में शिरकत। दूसरी तरफ हॉकी इंडिया ने पैडी अपटन को मेंस टीम के साथ मेंटल कंडीशनिंग कोच मुकरर किया। दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स हॉकी लीग के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी, हराया गुजरात जायंट्स को अहम मैच में 7 विकेट से। आज एक कांटेदार मुकाबले के लिए एलिमिनेटर में मुंबई इंडियंस का मुकाबला होगा आरसीबी के साथ। ये मैच जो टीम जीतेगी वो फाइनल खेलेगी। रांची ट्रॉफी 2023-24 इख्ताम पजीर, फाइनल में मुंबई ने विदर्भ को 169 रन से हराया।
मुशीर खान ने 136 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। मुंबई ने 42वीं बार, जो कि एक रिकॉर्ड है, रणजी ट्रॉफी जीती। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत के लक्ष्य सेन की अब तक उम्दा कारकर्दगी। सेन ने बनाई क्वार्टर फाइनल्स में जगह, दूसरी तरफ पीवी सिंधु सेकंड राउंड में हुई हार कर बाहर। रोहित शर्मा की कैप्टनसी में टीम इंडिया ने की तारीख रकम। पहला टेस्ट हारने के बाद लगातार चार मैच जीतकर 4-1 के बड़े मार्जिन से इंग्लैंड को दी बड़ी शिकस्त। कोहली, शमी और राहुल की गैर मौजूदगी में यंग ब्रिगेड ने दिखाई शानदार कारकर्दगी। यशस्वी जायसवाल ने 712 रन बनाए सीरीज में, जिनमें 2 सेंचुरियां और 3 50 शामिल रही। इंग्लैंड के लिए वेटरन एंडरसन ने की 700वीं टेस्ट विकेट हासिल। एंडरसन बने पहले फास्ट बॉलर जिन्हें यह रिकॉर्ड बनाया। इंडियन सुपर लीग ISL 2023-24 में FC गोवा ने बनाई प्लेऑफ्स में जगह। पहले खेला FC पंजाब के साथ 3-3 के स्कोर के साथ एक ड्रॉ और फिर कल बेंगलुरु FC को 2-1 से हराया। अब 17 रोज की गैप के बाद 30 मार्च को फिर से शुरू होगी ISL। UAE में अफगानिस्तान और आयरलैंड के माबैन खेली गई वनडे सीरीज, अफगानिस्तान ने जीती। तीसरे वनडे मैच में अफगानिस्तान ने आयरिश टीम को 117 रन से हराया और 2-0 से सीरीज जीती। एक मैच बारिश की नजर हुआ था। आज से शुरू होगी T20 सीरीज। चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 8 के ड्रॉज हो रहे हैं। अब से जरा देर बाद स्विट्जरलैंड में मुनक्किद प्री क्वार्टर फाइनल्स में मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल, रियल मैड्रिड, ब्रूशा डॉटमंड, एटलेटिको मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख, PSG और बासा पहुंचे हैं। और ट्रांस तस्मान ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की और सीरीज 2-0 से जीती। दूसरे टेस्ट के प्लेयर ऑफ द मैच रहे एलेक्स कैरी, जिन्होंने 18 रन की शानदार इनिंग खेली और अपनी टीम को मैच जितवाने में मरकजी किरदार अदा किया। और अब नाज़रीन, बारी है आज के प्रोग्राम में शामिल मेहमान से मिलने की, तो आपको इनके साथ मिलाते हैं रोशन ख्याल। दोस्तों, 1959 में जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी में पार्टिसिपेट किया। तब से लेकर अब तक बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हमने पैदा किए हैं, जिनमें बॉलर्स भी हैं, बैट्समैन भी हैं। जहाँ तक बॉलिंग का ताल्लुक है, चंद एक नाम जबान जदयाम है, जिनमें हैं क्यूम भगव, बहुत ही शानदार तेज़ गेंदबाज, और समीउल्ला बेग, फास्ट बॉलर, जिनका रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा फर्स्ट क्लास विकटें लेने का, 150 से ज़्यादा विकटें इन्होंने ली हैं। और समीउल्ला बेग ऐसे फास्ट बॉलर थे जो कि फिर जम्मू कश्मीर के कप्तान भी बने। इन्होंने परवेज़ रसूल के अंडर खेला भी और ऐसे बड़े बड़े मैच जीते जिनमें कुछ ऐसे खिलाड़ियों को इन्होंने आउट किया जो जिनका नाम आप सुनकर वाकई खुश हो जाएंगे। तो आइए मिलते हैं आज समीउल्ला बेग से। समीउल्ला बेग, इस प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका। शुक्रिया कृष्ण जी। देखिए, आपके बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें बहुत खुशी इस लिहाज से होती है कि एक खिलाड़ी ऐसा है जो न सिर्फ फास्ट बॉलर रहा, उसने सबसे ज़्यादा विकटें ली, उसके बाद कप्तान बना और एक नाम पैदा किया जिसकी वजह से बहुत खिलाड़ी मोटिवेट भी हुए। और देखिए, आप पे एक वक्त आता है कि आप क्रिकेट से किनाराकशी अख्तियार करते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने फर्स्ट क्लास से दूर हो गए, जाहिर है वक्त का तकाजा और उम्र का तकाजा रहता है, लेकिन क्रिकेट को आपने खैरबाद नहीं किया और हाल ही में आपने इंडियन वेटरन्स प्रीमियर लीग में पार्टिसिपेट किया। ये जो सफ़र है, इसके बारे में मुख्तसरन बताइए। ये 22 साल पहले स्टार्ट हुआ और 2002 में मेरा फर्स्ट क्लास डेब्यू था और उसके बाद लाइफ टुक लॉन्ग, खेलता रहा। परफॉर्मेंस अप एंड डाउन स्टार्टिंग में रही, उतनी अच्छी मेरी स्टार्ट नहीं रही, लेकिन 2006 में मैं MRFPS फाउंडेशन गया ट्रेनिंग के लिए अंडर डेनिस लिली, तो वो 6 महीने मैंने उनके साथ दिए और फिर वहाँ से मेरा टर्न अराउंड पूरा हो गया एंड मेरी परफॉर्मेंस भी फिर एक्सपोनेंशियली राइज हो गई। अच्छा, यहाँ पर एक कथकलामी होती है, डेनिस लिली की बात जब भी हम करते हैं तो एक एग्रेसिव फास्ट बॉलर, टियर अवे फास्ट बॉलर, जो कि अपने मुखालिफ को अपना दुश्मन समझता था, बैट्समैन को, और कई बार आपने देखी भी होगी लड़ाइयाँ डेनिस लिली की, और एक बार उन्होंने वो एल्युमिनियम का बैट भी इस्तेमाल किया खेलने के लिए, और फिर जावेद मियादाद के साथ लड़ाई भी की। लेकिन बहसे थे कोच, जब आपको उन्होंने कोच किया तो उसके अंदर जो डिफरेंट शख्सियत थी उससे आप कैसे मुतासर हुए? फैबुलस पर्सन, बहुत डाउन टू अर्थ एंड इतना इंटरेक्टिव, हमेशा मजाक के मूड में रहते हैं, बड़ा एक स्पोर्ट को एक फन की तरह लेते हैं और वैसे ही सिखाते हैं। आप में क्या कमजोरी उनको नजर आई और आपकी कौन सी खूबी उन्होंने निखारी, उसको पॉलिश किया? जब मैं वहाँ पे स्टार्ट हो गया तो उन्होंने मेरी फिटनेस में बड़ी इश्यूज पाए, क्योंकि आई कम फ्रॉम दिस पार्ट और उतना फिटनेस का आइडिया नहीं था। वन सेकंड वो कहते थे कि आई वाज नॉट सीरियस टुवर्ड्स द गेम, तो ये दोनों चीज़ें उन्होंने मुझे पहले दिन बोली
एंड उनका एक स्टेटमेंट फिर नेशनल न्यूज पेपर्स पे भी आया था कि इफ बेग डज नॉट मेक इट टू इंडियन टीम ही वुड बी अनलकी. मुझे लगता एक या दो हफ्ते के दरमियान ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया एंड देट वॉज अ ह्यूज बूस्ट फॉर मी, क्योंकि उन दिनों मैं स्ट्रगल कर रहा था स्टेट टीम के लिए खेलने के लिए भी. एंड सम हाउ ही फाउंड समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी. एंड फिर दो हफ्तों के बाद मैंने फिर जो उनकी डायरेक्शन थी उन पर ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी एंड आई पास ऑल हिज टेस्ट. आफ्टर सिक्स मंथ्स आई वॉज वन ऑफ द फिटेस्ट पर्सन जिन्होंने वो कैंप लीव किया. अच्छा, डेनिस लिली की बात करते हैं, उसके साथ एक मुझे याद आ रहा है, सचिन तेंदुलकर ने आपको कहा था कि आप जब बॉलिंग करते हैं ज्यादा आप शॉर्ट करते हैं और आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए अपनी लाइन एंड लेंथ पे, वो क्या मामला था? सचिन उधरी आए थे हमारे फेस फाउंडेशन प्रैक्टिस के लिए एक हफ्ता या दस दिन का उनका, क्योंकि उनकी शोल्डर की सर्जरी हुई थी, उसके बाद उन्होंने खेला नहीं था. तो ऑब्वियसली बेस्ट फास्ट बॉलर्स उधरी होते हैं, हम 10-12 कंट्री के बेस्ट फास्ट बॉलर्स उधरी थे हम. तो वो आए थे हमको बैटिंग करने के लिए, तो ही स्पेंड अराउंड 12 डेज विद अस. तो उसमें इंट्रैक्शंस बहुत हुई, हमने 2-3 दिन उनको बॉलिंग की, फिर शाम को जब डिनर पे बैठते थे तो वो यूज टू इंटरैक्ट एंड वो बड़ा अच्छा लगता था उनसे बात, क्योंकि वो हमेशा क्रिकेट की बात करते हैं, देयर इज नथिंग एल्स. कहते हैं ही ड्रिंक्स, ही स्लीप्स, ही ईट्स, उन्होंने वही बात उनसे बोली. उन्होंने कहा कि आपको करना पड़ेगा, आपको सोना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, क्रिकेट तब जाके वो होगा. एंड फिर जब हमने उनसे बात की तो वन ऑफ द पॉइंट ही टोल्ड मी कि आपको जैसे ही कोई शॉट मारता है या जैसे ही आपको लगता है विकेट नहीं मिलती है तो यू इमीडिएटली रिजॉर्ट टू शॉर्ट पिच बॉलिंग. तो दैट इज नॉट द ओनली वे टू टेक विकेट, आपको परसिस्टेंट ऊपर बॉल करनी पड़ेगी सो एज टू गेट द मूवमेंट एंड टेक विकेट्स. दोज इंटरेक्शन विद सचिन जी और उसके बाद जवागल श्रीनाथ आए, चमिन दवास आए, बहुत सारे लेजेंड्स वहां पे आए. तो उनसे जब इंटरेक्शन हुई तो फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स मेरी जो परफॉर्मेंस थी डोमेस्टिक क्रिकेट में वो शॉर्ट अप हो गई. फिर मैंने 25 विकेट लिए नेक्स्ट सीजन में, उसके बाद एक और सीजन में नेक्स्ट 25 लिए, फिर 30 ऑड लिए. तो पॉइंट इज कि MRF का जो स्टिंट था दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट. तो वो जो आपने ट्रेनिंग हासिल की, इतने लोगों से आपने फाइनल पॉइंट समझे गेंदबाजी के, उसके बाद जो परफॉर्मेंस आपके वाकई शानदार है, जब भी हम मुड़ के उस परफॉर्मेंस की तरफ देखते हैं तो हमारा दिल जो है शाद हो जाता है. वो आपका रनअप, उसके बाद फिर बॉल डिलीवर करना, जरा देखते हैं वो लम्हात माजी के आईने में. ये बल्लेबाज कौन हैं जिनको आप बॉल करने जा रहे हैं? ये हमारा मैच था, आई थिंक इट वाज अगेंस्ट केरला. ये केरला में हमारा मैच था, संजू सैमसन था आई थिंक. अच्छा, ये हम इनको लास्ट इनिंग में कुछ 50 ऑड ओवर्स बैटिंग करनी थी तो मैच ड्रॉ हो जाता. तो हमने इनको आई थिंक 30-40 ओवर में पूरी टीम को आउट कर दिया. जी जी जी, एक ही स्पेल में आई थिंक मैंने 6 विकेट्स लिए थे इफ आई रिमेम्बर. देखिए, आप जब आ रहे हैं बॉलिंग करने, आपने स्लिप्स भी रखी हैं, बहुत अटैकिंग बॉलिंग है और ये भी आउट स्विंग ही, लेकिन आपकी जो नेचुरल इन स्विंगर है, जब भी आप बॉलिंग करते हैं तो आप इन स्विंग ज्यादा करते हैं. एक्चुअली मैं नेचुरली इन स्विंग करता था, लेकिन फिर जो मेरे स्टार्टिंग के कोच अब्दुल कयूम खान साहब, उन्होंने मुझे एक बात बोली कि इन स्विंग जो बॉलर है ये हरभजन सिंह को हम बॉलिंग कर रहे हैं. अच्छा, ये आउट था क्वार्टर फाइनल में, ये वाला आउट दिया नहीं, ये अभी मुझे याद है, क्वार्टर फाइनल था, बहुत मोटा एज लगा था तो अंपायर ने दिया नहीं, हम इस वजह से क्वार्टर फाइनल हार गए. अच्छा, ये लेफ्ट हैंडर कोई बल्लेबाज है? असम के बहुत बड़े प्लेयर हैं, इन्होंने अराउंड 200 रणजी ट्रॉफी मैच खेले, LBW आउट हो गए. जी, ये इनका मेजर प्लेयर. आप इस अंदाज की जो गेंदबाजी है इसमें न सिर्फ आप आगे बॉलिंग कर रहे हैं बल्कि शॉट भी कर रहे हैं, और कई बार आपको गुस्सा आता है तो फिर आपने यॉर्कर करने की कोशिश की, यॉर्कर पे भी विकेट लिया, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है शॉट करते हैं बल्लेबाज जख्मी हो जाता है, तो उस वक्त आपकी कैफियत कैसी होती है? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्योंकि ये हम मैचेस खेल रहे होते हैं तो उस वक्त एक बैटल चल रहा होता है, लेकिन एक जब हम इधर खेल रहे थे गोवा के अगेंस्ट, तो एक उनका ओपनिंग बैट्समैन था, उसको सर पे बॉल आ गई थी, उसको हॉस्पिटल ले गए थे. तो उसके बाद आपकी जिंदगी का एक और चैप्टर शुरू हुआ जहां पर आपने इंडियन वेटरन्स प्रीमियर लीग में हाल ही में पार्टिसिपेट किया. तो इस तजुर्बे के बारे में बताइए, कौन कौन से प्लेयर वहां थे,
किन के साथ आपने खेला, किन के साथ आपने इंटरेक्ट किया। आपकी टीम जो थी रेड कार्पेट दिल्ली की टीम, उसमें हर्षल गिब्स कैप्टन थे आपके, बाकी कौन कौन से खिलाड़ी थे उसके बारे में बताइए। थिसारा परेरा थे श्रीलंका से, एक कोर प्लेयर हैं असला गुणरत्न वो भी थे, उसके बाद एशली नर्स थे और रिचर्ड ली भी थे साउथ अफ्रीका से, विकेट कीपर बैट्समैन थे। और हमने अगेंस्ट खेला, क्रिस गेल खेल रहे थे, रिकॉर्डो पावल खेल रहे थे, सहवाग खेल रहे थे, सुरेश रैना खेल रहे थे, ऑलमोस्ट जितने भी बड़े लेजेंड्स थे जिन्होंने क्रिकेट छोड़ी हुई थी, ऑलमोस्ट जितने भी बड़े प्लेयर्स थे वो सब खेल रहे थे। आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, लेकिन इस लेवल की क्रिकेट जो है प्रीमियर लीग, वेटरन्स प्रीमियर लीग, कितना फर्क है हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और इस मयार की क्रिकेट में? देखिए क्रिकेट में बस ऐसे फर्क नहीं है, लेकिन जो सोच है वो डिफरेंट है। ये लोग डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, ये लोग इनकी अपनी जो सेल्फ बिलीफ है वो स्काई हाई है। ये लोग ऑर्डिनरी प्लेयर्स की तरह नहीं सोचते हैं, रेड कार्पेट दिल्ली एग्जैक्टली, और इसमें सोचने का लेवल ही डिफरेंट होता है। अगर वो अपोजिट टीम 300 भी करेगी, ये इनको बिलीफ होता है हम वापस कर लेंगे। और आप देखते हैं आपकी बोली, लेवी आफ्टर रेड, लेवी हैज फाउंड द कैच, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, ही नेवर लॉस्ट बैलेंस, नेवर लॉस्ट साइड ऑफ द बॉल, रनिंग बैकवर्ड्स, ही कैन डू एनीथिंग। कीपर की भूमिका में तैनात थे, पीछे की ओर जाके ऐसा कैच पकड़ना रिचर्ड लेवी, वो क्लास सिर्फ बल्लेबाजी में नहीं फील्डिंग में भी नजर आई। एक और विकेट गिरता हुआ छत्तीसगढ़ वॉरियर्स का। सौरभ तिवारी इज गिफ्टेड अ कैच टू द ऑपोजिशन, this is a planned wicket, it was at a comfortable height, Tiwari thought enough bat was on it, but it's a very good catch in the end, catch deep mid wicket ke disha mein, choti gend se test kiya is bar Saurabh Tiwari ko, aur Samiullah ne bahut achhi gendbazi ki hai, chahe shuruaat ki baat kare ya fir jab death overs mein gendbazi karne ke liye aaye hain। Oh well, the upper edge taken, Kaleem Khan comes in, Kaleem Khan gets out, Samiullah on a hat-trick. Sensational Samiullah as they call him, and Richard Levy said, very well said, oh this is going to travel the distance, comfortable height, full toss, very sensational Samiullah। ये हमारा पहला मैच था इस IVPL का, और इसमें हम सब अभी एक दूसरे को जान ही रहे थे, तो हम इस वक्त मैच बड़ा क्रिटिकल मोमेंट पे थे, तो इसमें छत्तीसगढ़ के साथ वॉरियर्स के साथ ये मैच आपने 22 रन से जीता, तो इसमें बेहतरीन कारकर्दगी आपने दिखाई, चार विकेट लिए, 36 रन दिए, बेस्ट बॉलर था इस मैच का, बेस्ट बॉलर आप रहे। तो क्या लगा आपको ये जो मयार है और जिस अंदाज से आपने गेंदबाजी की और जिस अंदाज से आपको वाहवाही मिली, वहां पे जो ऑडियंस भी थी वो भी बहुत तारीफ कर रहे थे, कॉमेंटेटर्स आपकी तारीफ के पुल बांध रहे थे, तो ये जो जिंदगी का मरहला है ये कितना नाकाबिले फरामोश आपके लिए? ये ज़्यादा चेरिशेबल है, बिकॉज 2018 में मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट छोड़ दी, उसके बाद मैं एक आधा कभी कभी लोकल मैच या कोई डिपार्टमेंट का कोई मैच खेलता था, लेकिन ये वाला जो IVPL स्टार्ट किया है एसोसिएशन ने, तो ये हमारे लिए एक न्यू लीज ऑफ लाइफ है, क्योंकि अब हम दोबारा से क्रिकेट के साथ सीरियसली जुड़ रहे हैं। आपका नाम आया, देखिए वहाँ पे बेस्ट बॉलिंग 4 for 36 समीउल्लाह बेग, और आपकी टीम ने 22 रन से जीता, तो उस वक्त आपके दिल में क्या चल रहा था? ये बिलीफ तो ऑलरेडी था कि मैं ये कर सकता हूं, बट एक्चुअली इन बड़े प्लेयर्स के साथ करना इट गिव्स अ लॉट ऑफ जॉय। मुनाफ पटेल भी खेल रहे थे, हाँ ये उनकी बहुत अच्छी टीम थी। अब आते हैं हम भारत और इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज हुई, 5 टेस्ट मैचों की सीरीज हुई, जिसमें भारत को 4-1 से कामयाबी मिली। आपने ये टेस्ट सीरीज देखी जी, आपको क्या लगता है जो भारत की टीम है क्रिकेट की टीम टेस्ट मैचेस में, इसका मयार और बाकी टीमों का मयार इसमें कितना फर्क है? बेसबॉल का जो कॉन्सेप्ट था वो इंग्लिस्तान का, उन्हीं के पिच पर उन्हीं की क्रिकेट से भारत ने इंग्लिस्तान को 4-1 से हरा दिया, इस सीरीज के बारे में आप क्या कहते हैं? इंडियन क्रिकेट इन जनरल इज फार फार अहेड देन अदर कंट्रीज, प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया में मैच इट, बट अदरवाइज जो इंडियन डोमेस्टिक सेटअप है दैट इज फार फार सुपीरियर देन अदर कंट्रीज, दैट इज वन पार्ट। क्योंकि जो इस वक्त पूल ऑफ प्लेयर्स इन द बेंच है इंडियन नेशनल टीम के, वो बहुत ही शानदार। देखिए भारत ने पहला मैच तो हारा 28 रन से इंग्लिस्तान से, लेकिन उसके बाद विशाखापट्टनम में भारत ने 106 रन से जीता, राजकोट में 434 रन से कामयाबी हासिल की, रांची में 5 विकेट से चौथा टेस्ट मैच जीता, और पांचवा और आखिरी टेस्ट मैच धर्मशाला में भारत ने एक इनिंग्स और 64 रन से जीता।
तो इस मैच के बारे में बताइए, और खास तौर पर जो नया ब्लड आया है भारत की टीम में और जो एक्सपीरियंस टीम है खिलाड़ी हैं, इन दोनों ने मिलकर जिस अंदाज से जेल किया है वो कितना फायदेमंद है भारतीय क्रिकेट के लिए। देखिए, एक सेंटेंस में बताऊंगा कि जो इंग्लैंड ने मैच हारा, ये सीरीज हारी बाय पिकिंग रॉन्ग बॉलिंग अटैक, जो उनके स्पिनर थे वो बड़े रॉ थे, उनमें उतनी एक्सपीरियंस नहीं थी इन अच्छे प्लेयर्स के सामने। रोहित के बारे में, इनकी कप्तानी के बारे में क्या कहते हैं? रोहित हैज बीन फैबुलस इन दिस सीरीज, वो पहले से ही बहुत अच्छे कप्तान थे, थोड़े से अंडर प्रेशर थे आफ्टर लूजिंग द वर्ल्ड कप फाइनल, बट ही हैज मेड अ ग्रैंड कमबैक एंड ही इज हियर टू स्टे। और जायसवाल ने 712 रन बनाए, गिल ने 452 रन बनाए, रोहित ने 400 रन बनाए, जडेजा ने 232 रन बनाए और सरफराज ने 3 टेस्ट मैचों में 200 रन बनाए, 3 हाफ सेंचुरियां। तो ये जो पुरानी और नई पौध है, इनके संगम से क्रिकेट का जो ये गुलाब है कितना महकता हुआ दिखाई दे रहा है और कितना रंगदार नजर आ रहा है। ठीक है, एक चीज में और कहूंगा, एक चीज और बढ़ के कहूंगा, अगर इंडिया एक ही टीम भी खेलेगी अभी किसी भी नेशनल टीम के, किसी भी इंटरनेशनल टीम के अगेंस्ट इन इंडिया, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस इंटरनेशनल टीम को इंडिया एक ही टीम को हराना। इंडिया मेन टीम तो बहुत दूर की बात है। और रोहित ने कहा है हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जुरेल हैं, सरफराज हैं, यशस्वी हैं और बाकी खिलाड़ी हैं, खासकर गिल हैं, तो इन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है भारत की टीम में वो आइंदा बरसों तक भी जारी रहेगा, ये रोहित का कहना है। और इस सीरीज में कुछ यादगार लम्हे भी थे जहाँ अश्विन ने 100वां टेस्ट मैच खेला और उसके बाद इतनी शानदार तरीके से उन्होंने, एंडरसन ने 700 विकेट लिए, एंडरसन ने 700 विकेट लिए, अश्विन ने भी माइलस्टोन कंप्लीट किया। जहां तक अश्विन का ताल्लुक है, देखिए अश्विन एक ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है और उनके फाइफर्स काफी हैं, 35 जो कि वन ऑफ द बेस्ट, बहुत ज्यादा है। और इसी तरह देखिए 100वां टेस्ट मैच, यशस्वी जायसवाल जैसे वापस आए हैं खेलने के लिए, और इनका देखिए आप अगर इसका देखेंगे आप लेफ्ट हैंड से बल्लेबाजी जब करते हैं, ये मुझे लगता है इनके जहन में हमेशा ये रहा होगा कि इंग्लिस्तान को बैज बॉल मैच सिखाऊंगा। देखिए, नटशल, इंडियन क्रिकेट इज ऑन द राइज और इट इज हियर टू रूल फॉर अनदर डेकेड एटलीस्ट, क्योंकि जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है इंडिया का, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी एंड IPL, वहां से कंटिन्यूसली एक नई पौध आ रही है क्रिकेटर्स की जो पुराने क्रिकेटर्स को पुश कर रही है। That is the fabulous thing that can अभी देखिए बेहतरीन मिसाल आपकी है जो परसों रणजी ट्रॉफी का फाइनल हुआ जिसमें मुंबई ने जीता, वो मैच 42वीं बार थी मुंबई ने जीता, उसमें मुशीर खान जैसा एक 19 साल का लड़का जो कि क्वार्टर फाइनल में डबल सेंचुरी करता है, सेमीफाइनल में 50 करता है और फाइनल में 136 रन बनाता है, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी सामने आ रहे हैं। अब आपके लिए मसला यह है कि आप किसको सिलेक्ट करेंगे, किसको ड्रॉप करेंगे, और यह बात ख्याल जहन में रखनी चाहिए कि अभी विराट कोहली और उसके बाद KL राहुल और बाकी खिलाड़ी दे आर ऑल्सो देयर एंड हु इज गोइंग टू लीव स्पेस फॉर देम फ्रॉम अमंगस्ट दीज प्लेयर्स लाइक सरफराज एंड अदर प्लेयर्स। अ गुड हेडेक फॉर स्टैक सिलेक्टर्स एंड वेरी गुड साइंस फॉर इंडियन क्रिकेट। ये तो जैसे मैंने ये भी कहा कि इंडियन क्रिकेट इज हियर टू रूल इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर अनदर डेकेड एटलीस्ट। एक कॉन्ट्रोवर्सी पिछले दिनों खड़ी होगी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया ने फैसला किया कि जो रणजी ट्रॉफी नहीं खेलेगा उसको हम उतने अंदाज से, उस तरीके से कंसिडर नहीं करेंगे, और इसमें कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया गया 2 प्लेयर्स का। तो बहुत जरूरी था ये, मुझे बताइए रणजी ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करना क्यों जरूरी है, क्या टेस्ट क्रिकेट में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलें? नहीं, उतना ही नहीं है, क्योंकि अब जो नई जनरेशन है वो टुवर्ड्स वाइड बॉल क्रिकेट ज्यादा जा रही थी, छोटे जितने भी लड़के आ रहे थे वो IPL और जो वनडे क्रिकेट उसी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, क्योंकि उसमें पैसा भी बहुत है, उसमें करियर सिक्योरिटी भी है। लेकिन इंडियन बोर्ड ने जो एक रिमार्केबल स्टेप लिया है कि उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो टेस्ट तभी खेल सकते हैं जब वो रणजी ट्रॉफी खेलें, इसी तरह डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए भी ये बोला गया है कि आप फोकस करें रणजी ट्रॉफी पे, मैच फीस बढ़ाई है उसकी, उसको लिए मैंडेटरी कर दिया, क्योंकि अगर वो ये नहीं करेंगे तो मैक्सिमम प्लेयर सिर्फ व्हाइट बॉल ही खेलेंगे, रेड बॉल नहीं खेलेंगे, एंड जो क्रिकेट है वो बेस असली क्रिकेट तो रेड बॉल क्रिकेट है। बिल्कुल, वहां से जो अच्छा करेगा वो ऑटोमेटिकली व्हाइट बॉल में अच्छा करेगा, लेकिन रिवर्स
सही नहीं है कि जो अगर वाइट बॉल कोई अच्छा खेलेगा तो वो रेड बॉल भी खेलेगा, ऐसा नहीं होता। देखिए टेस्ट मैच को कहते हैं टेस्ट मैच, टेस्ट मैच का मतलब है आपके अंदर जितनी भी क्वालिटीज हैं उन सब का इम्तिहान होगा, राइट, आपके सब्र का, आपकी तकनीक का, आपकी पेशेंस का, परसिवियरेंस का, डिटर्मिनेशन का, आप कैसे टफ सिचुएशन को हैंडल करते हैं, आप कैसे बेटर सिचुएशन को भी टैकल करते हैं, राइट, कैसे आप राइज को टैकल करते हैं, कैसे आप फॉल को टैकल करते हैं, ये तमाम चीजें आप टेस्ट क्रिकेट में सीखेंगे। दैट इज वाई दिस इज अज कॉल बाई बीसीसीआई और सारे जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, केविन पीटर्स नो या जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, उनने बड़ा अप्रिशिएट किया कि बीसीसीआई ने एक टाइमली कॉल लिया है to safeguard the Indian cricket and it will have huge repercussions going forward. And people say that India does not have a team, b team but c team also, and all the teams can play test cricket. Similarly we have one day international teams, a team, b team, c team, all of them can play, even 2020 can be played. You have ipl, ab jo ipl hone ja raha hai, ms dhoni evergreen khiladi is baar phir khelega, तो कभी आपका मौका मिला आपको कि एम एस धोनी से मिलने का? एम एस धोनी का और मेरा एक ही डेब्यू मैच है, अगे हमारा सिमिलर डेब्यू मैच है, हमने जे एंड के वर्सेस झारखंड मैच खेला, वो झारखंड ने हारा, वो धोनी का भी डेब्यू था और मेरा भी डेब्यू मैच था, तो उन्होंने कुछ शायद 30-40 रन बनाए थे, मैंने एक आधा विकेट लिया था, बट पॉइंट इज कि ही हैज बीन अ ट्रेमेंडस सर्वेंट ऑफ द गेम और जो लीडर वो रहे हैं वो दोबारा आना इम्पॉसिबल है इंटरनेशनल क्रिकेट। चलिए इस साल का जो आगाज है क्रिकेट का बहुत शानदार हुआ और अब आईपीएल भी आने जा रहा है, उम्मीद है कि ये साल इसी तरह क्रिकेट लवर्स के लिए एक यादगार साल साबित होगा। समीला बेग, आपका ये करियर बहुत शानदार रहा है और आपने हाल ही में इंडियन वेटरन प्रीमियर लीग में भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। और दोस्तों प्रोग्राम के आखिरी मरहले के लिए चलते हैं इमरान गुल के पास। नाज़रीन एक बात शेयर करते हैं, रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में इस सीरीज की विक्ट्री पर 112 साल बाद भारत की टीम पहली टीम बनी जिसने पहला मैच हारने के बाद टेस्ट सीरीज 4-1 से जीती। इंग्लैंड की टीम ने 1911-12 में ऑस्ट्रेलिया के टूर पर पहला टेस्ट हारा था और उसके बाद लगातार चार टेस्ट जीते थे और 4-1 से 1911-12 की एशेज जीती थी। तो अब ये रिकॉर्ड रोहित शर्मा के पास है और भारत की टीम के पास है। इसके साथ ही खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।